ये तो बल्लू की आवाज है ना। हाँ लगता है वो मुसीबत में। चल चल बल्लू। ये कौन है और इसने बल्लू को ऐसे क्यों बना दिया है? सिर्फ यही नहीं, अब तुम भी इसकी जैसे बनने वाले हो। बॉस ये लोग दोनों तो अंदर चले गए, अब हम लोग क्या करें? डांस। ओके बॉस। सांस नहीं करना है, हम भी अंदर चलते। चलो चलो बॉस। क्यों? चलो शायद से आंटी बिजी है। चलो चलो, कोई कहीं नहीं जाएगा। बस ये आपको बोल रहे। चलो ओके बाय। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, रुको। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बस तू तो हिल सकते है क्योंकि ये जगह हमारे नहीं है बल्कि बल्लू के चाचा की है। चलो खामोश खामोश, चुप चुप बोला ना, एकदम चुप चुप। अब परी भयंकर बोलेगी और तुम सब लोग सुनोगे। बोलिए। दिखाओ दिखाओ, अब मार के तो दिखा। चुप। मानव और मैं, तुम दोनों कई बार मेरी हार का कारण बने हो, मगर अब मैं अपनी हर हार का बदला लूंगी। तुम्हें और तुम्हारे चहेते बालवीर को खत्म करके। और तब मेरा सपना पूरा होगा। अखबार पढ़ रहा हूँ। बिना अखबार के आप मेरी मदद कर दीजिए ना, जल्दी से बेसन से दुकान लेकर आइए, मुझे फरसान के लिए बल्लू बनाना है। है? क्या बोली? मतलब जल्दी से दुकान से बेसन लेकर आइए, मुझे बल्लू के लिए फरसान बनाना है। बल्लू? भाई ये देखो, बल्लू का बैग और उसका टिफिन, ये भी उसे दे देंगे। नहीं रॉकी, बल्लू की सारी चीजें वैसे ही रख जैसी वो है, ताकि वो जब वापस आएगा ना, तब उसको सारी चीजें वैसे ही मिलेगी जैसी वो थी, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हे भगवान, मैंने ढोकले पर गैस रखे थे। है? गैस पर ढोकले रखे थे, अभी आए।
अरे वो ढोकले, भाभी ढोकले के साथ गाठिया और थेपले ही बनाना। मैंने सिर्फ ढोकले नहीं, ढोकले के साथ खाखरा, थेपला, फरसान सब कुछ बनाया है। अच्छा, अरे वाह, आज तो खाने में बड़ा मजा आएगा। बल्लू को ये सारी चीजें मैं बल्लू के लिए बना रही हूँ, सोचा थोड़ा सा उसे भी पैक करके दे दूं। पता नहीं पराये देश में कैसा खाना मिलता होगा। खाना तो मिल जाएगा सुमिता, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होगा, और वो अपनापन सिर्फ तुम्हारे बने खाने में मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में कम से कम थोड़ा तो अच्छा खाना खाने का। अरे वाह भाभी, ये आपने बहुत अच्छा किया। शाम को खाना देने के बहाने हम लोग बल्लू से मिल भी लेंगे। हाँ। शाम को क्यों, हम अभी चलेंगे, मेरा खाना लगभग तैयार है, मैं अभी आई। अरे वाह, ये बल्लू हम लोग आ रहे हैं। अरे ए, अरे रॉकी, अरे यहाँ नाचने से क्या फायदा। अरे रुक आंटी प्लीज, हमें जाने दो ना, हमें स्टैचू नहीं खेलना है। लेकिन मोंटू रोहित केवल तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम तो ये तुम्हारे पीछा करते करते आ गए। हाँ, हमने तुम्हारी बात सुन ली थी कि बल्लू ही बालवीर है, तो हम यही सच पता करने के लिए तुम्हारे पीछे है। और भूले बच्चे परी भयंकर के खतरनाक खेल रहे। आ रहा है मुझे बहुत मजा। डरो और डरो और डरो बच्चों और डरो। डर इनसे क्या डरने का, मेरा मतलब है इनसे भी एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है जिनसे हम बहुत डरते हैं। इससे पढ़ाई से और मोटू से भी। देखो तुम जो भी हो हमें छोड़ दो, वरना हम बालवीर को बुलाएंगे। हाँ, और वो आकर तुम्हारा बैंड बजा देगा। बुलाओ, जरूर बुलाओ अपने चहेते बालवीर को, पर वो आएगा नहीं। क्योंकि वो तो खुद तुम्हारे बीच मूर्ति बनकर खड़ा है। अगर बालवीर यहाँ है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है बालवीर भी इस आंटी से डरकर छुप गया है। ए ना समझ बच्चों, ये तुम्हारा प्यारा चहिता बल्लू है, यही तो बालवीर। देखो इसे कैसे, आज इसे मेरी मदद की जरूरत है। कितना बेबस और लाचार है ये। मतलब मेरा शक सही था कि बल्लू ही बालवीर है, इसलिए तो मैंने बालवीर के हाथों में बल्लू की राखी देखी। मैं तुम्हारा बल्लू लल्लू हूँ, और लल्लू कभी बालवीर बन सकता है क्या? देख बल्लू, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। तुम सब मेरी बात को समझो, मैं सच में बालवीर नहीं हूँ। चुप 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 एकदम चुप 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 चुप। यही है बालवीर, बहुत बड़ा बहरूपिया है ये, मगर अब मैं तुम्हारी कोई चाल में नहीं आने वाली बालवीर। अरे मेरी बात को समझो, मैं बल्लू हूँ, बालवीर नहीं हूँ। बल्लू तूने हमसे क्यों छुपाया कि तू ही बालवीर है? हाँ, अगर तू हमें बताता तो हम किसी को बताते, ये हमारा पक्का सीक्रेट होता। तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये आंटी तो पागल हो गई। मैं बालवीर नहीं हूँ, बल्लू हूँ, बल्लू बल्लू लल्लू। मेरा पागलपन तो तुम अब देखोगे बालवीर,
जब मैं इस पूरे झोपड़े को आग लगा दूंगी। अरे आप अभी भी हैं, लगे रहो। हंस रहा था मैं आपके ना समझी पर। है पृथ्वी लोक पर एक शून्य एक समान की सेवा, जिसे लगाने पे आती है पानी वाली लाल गाड़ियां तुरंत और बुझा देती है आग। फायर ब्रिगेड आप लगाइए आग, आएगी गाड़ी बुझाएगी आग, डालेगी पानी। तो फिर मैं इसे ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां कोई नहीं पहुंच सकता। लगता है इस भूतने ने मेरी सारी देसी की गोलियां खा ली है। यही मौका है, यहां से भाग जाता हूं और बाहर जाके किसी से मदद मांगता हूं। भाग अच्छा भाग। ये हमारे किसी काम का नहीं है। परी भयंकर! अरे अरे आप क्या कर रही है आप? मैं इस घर को ऐसी जगह ले जा रही हूँ जहां कोई नहीं पहुंच सकता। अरे आंटी मोंटू बॉस की साइज देखो, आप उनको नहीं उड़ा सकते। हाँ आंटी, आपको कुछ उड़ाने का मन कर रहा है तो मोंटू बॉस का मजाक जरूर उड़ा सकते हो। बोल बॉस, कोई ऑप्शन भी नहीं है। सॉरी। अरे ये बच्चे भी झोपड़े के साथ उड़े जा रहे हैं, अब क्या करूं इन बच्चों का? बच्चों के घर वालों को बताना पड़ेगा। बच्चों के घर वाले कितनी देर हो गई सीधा, चलो चलो कितनी देर, चलो भाई। हाँ हाँ भाभी जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे रॉकी भैया जल्दबाजी मत कीजिए वरना कुछ ना कुछ भूल जाऊंगी। भाभी अगर जल्दी नहीं की तो बल्लू छूट जाएगा। चलो 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 भाई, बहुत देर हो गई, चलो। भगवान छुंदा भूल गई, एक मिनट। क्या वो छुंदा? जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। देखो कुछ चाचा चल के आए हैं तुम्हें जल्दी चलो बोलने के लिए। आप यहाँ कैसे आए? अरे हम तो खुद आपके यहाँ आने वाले थे बल्लू को मिलने के लिए, लेकिन बल्लू तो उड़ गया है। ऐसा कैसे उड़ गया? उसकी तो आज शाम की फ्लाइट थी ना, तो भी जो सारा खाना बनाया उस तक कैसे पहुंचाऊंगी? अरे वो खाना भी ना छोड़ दो और चलो जल्दी चलो। सीता तुम्हें खाने की पड़ी है, यहाँ पूरे का पूरा इंसान रह गया है और तुम खाने की बात कर रही हो। लेकिन आप यहाँ कैसे रह गए? आप नहीं गए? नहीं नहीं, प्रोग्राम तो वही था। प्रोग्राम तो वही था, मैं भी उनके साथ उड़ के जाने वाला था लेकिन मैं घर से निकल कर भाग गया। घर से कैसे? एरोप्लेन से ना? नहीं नहीं, मैं घर से ही निकल गया जो कि एरोप्लेन की तरह उड़ गया। एरोप्लेन की तरह घर है? हाँ करेक्ट। चाचा आपने वो नशे की गोली खाई है ना? ऐसा घर ऐसा उड़ के कैसे दुबई जा सकता है? सही सही कहा आपने, सही कहा। दुबई जाने के लिए एरोप्लेन चाहिए कि नहीं उड़ने के लिए? फिर हाँ, और आपके जो मानव महर है ना वो भी घर के साथ उड़ गए। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? अरे ऐसा कैसे लेके जा सकते हैं? उनके पास तो टिकट भी नहीं है। अब देखना प्लेन में उनको टीसी पकड़ लेगा।
महेश मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे बच्चे। नहीं स्मिता तू फिकर मत कर, ये नशे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। ओ भाई ओ चाचा, कौन उड़ा के लेके गया? वही जिन्हें आपने भेजा था वही उड़ा के ले गए। वो कह रहे थे हाँ एक भयंकर परी और एक छोटा 2x2 टूबा टूबा, वो बच्चों को मूर्ति बनाकर उड़ा के ले गए। मेरा झोपड़ा, मैं बेझोपड़ा हो गया। महेश दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन भाभी आपने तो दाल बनाई नहीं है। रॉकी भैया, रॉकी रुक। सुनता एक काम कर, हम चाचा के साथ जाते हैं और देखते हैं कि मामला क्या। चलो 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 चलो। ओ चाचा किसका झोपड़ा उड़ा है? मेरा मेरा। तो चलो ना, चलो चलो। इसी तरह रुक जाइए। देखो भयंकर परी, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। हाँ प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज। बालवीर तुम्हें इसकी कड़ी सजा देगा। हाँ हाँ, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। बालवीर तो यहाँ तब आएगा जब तुम यहाँ से जाओगे। अरे तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बालवीर नहीं हूँ, बल्लू हूँ। अरे अपना समय बर्बाद मत करो और हम सबको जाने दो। हाँ अगर तुम ऐसा करोगी तो हम बल्लू से मतलब बालवीर से कहकर तुम्हारे सजा माफ करवा देंगे। मुझे माफी दिलवाओगे तुम मुझे? हाँ भयंकर परी को सजा तो मैं तुम्हें दूंगी, अब ऐसी सजा कि अंत हो जाएगा तुम्हारा। बालवीर को बुलाते हैं। अरे मैं बालवीर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। बुराई का प्रतीक है आप। सिर्फ प्रतीक ही नहीं, बुराई हूं मैं, बल्कि बुराई से भी बुरी हूं मैं। देखो तौबा तौबा, देखो अच्छाई कैसे जल रही है मेरी लगाई हुई बुराई की आग में। और एक बार बालवीर खत्म हो जाए बस उसके बाद मैं तीनों लोगों में इतनी बुराई फैला दूंगी, इतनी बुराई फैला दूंगी कि अच्छाई डर के मुंह छुपा लेगी कहीं। देखो परियों, देखो तुम्हारा बालवीर कैसे जल रहा है, देखो। बचा सकती हो तो बचा लो उसे, बचा लो। अरे अब इतना भी मत चिल्लाइए कि आ जाए सभी परिया यहाँ पर। कोई नहीं आएगा, तौबा तौबा, अब कोई बालवीर इन्हें बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं।